एंटी लॉक का वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे निकलेगा, एंटी लॉक का वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए एंटी लॉक कितना दिया हुआ है, 0.0301। अब इसको हटाने के लिए इसका वैल्यू करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू तो निकालने आना चाहिए ना। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, मैं ये स्टेप वाइज लिखा हूं, आप किसी भी एंटी लॉक का वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप वन क्या है, टाइप नंबर। टाइप नंबर मतलब जो नंबर है एंटी लॉक के बगल में वो नंबर को दबाना है, जो एंटी लॉक के बगल में नंबर है उस नंबर को दबाना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 0.0301 यही दिया हुआ है, 0.0301 दिया है, नंबर को टाइप कर लिया, डिवाइड बाई 227,695 माने 227,695 से डिवाइड करना है, डिवाइड माने भागा करना है, 227,695 डिवाइड दे लिए, ठीक है। अब क्या करना है, एड वन, उसमें एड वन करना है, एड वन जोड़ देना है, हो गया। अब देखिए क्या है स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या है, इनटू इक्वल टू माने मल्टीप्लाई और इक्वल टू, कितना बार दबाना है, 19 बार, माने मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना बार दबाना, 19 बार। देखिए 19 बार दबा दिए, कितना आया, 1.107 समथिंग, बहुत सारा है बट 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, 1.0711 लेंगे, समझ गए क्या बोले, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी एंटी लॉक के बगल में उस नंबर को कैलकुलेटर में दबा लीजिए, डिवाइड कर दीजिए संग संग 227,695, डिवाइड करने के बाद में ऐड करिए उसमें 1, ऐड क्या करिए, जोड़ दीजिए 1, और फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन, माने मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाए तो एक बार हुआ, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू दो बार हुआ, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू तीन बार हुआ, ऐसे करके आपको 19 बार दबाना है, कितना बार दबाना है, 19 बार, जो वैल्यू आएगा कितना डेसिमल प्लेस तक लेना है, 4 डेसिमल प्लेस, कितना डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे एंटी लॉक का वैल्यू बैठा देंगे और जो आपको निकालना आप निकाल सकते हैं।